इनपुट आउटपुट मॉडुलर ट्रबल शूटिंग में आ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग फॉल्टी इनपुट या आउटपुट सिग्नल को चेक करते हैं। तो वन का सी हो जाएगा, टू का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई का बी हो जाएगा। एफ है, पीएलसी ग्राउंडिंग इज एसेंशियल टू प्रजेंट। पीएलसी ग्राउंडिंग जो है जरूरी है टू प्रजेंट, किसके लिए जरूरी है, तो इलेक्ट्रिकल नॉइज इंटरफेरेंस, पावर फेल्योर, पीएलसी प्रोग्राम एरर, ये सभी के लिए जो है पीएलसी ग्राउंडिंग जरूरी है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जी नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कह रहा है चूज करने के लिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए कह रहा है। आरटीयू इन स्काडा आर्किटेक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, ट्रू है। दूसरा है, ओपीसी आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज टू इंटरफेस स्काडा सिस्टम विथ पीएलसी, ये भी ट्रू है। वो दोनों जो है ए और बी दोनों ट्रू है, सी हो जाएगा, जी का सी हो जाएगा। एच नंबर क्वेश्चन है, मैच द स्काडा कंपोनेंट विथ इस डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के साथ जो है मैच करना है, एच का मैच करना है। तो ए नंबर क्या है, ए है रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल यूनिट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम रिमोट साइड। रिमोट साइड मतलब ए का हो जाएगा दूसरा नंबर। और बी क्या है, बी 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 मास्टर टर्मिनल यूनिट। मास्टर टर्मिनल सेंट्रल कंपोनेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग डेटा इन स्काडा सिस्टम। तो बी का हो जाएगा तीसरा और ए का हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एच का डी हो जाएगा। आई है, इंटरफेसिंग स्काडा सिस्टम विथ पीएलसी ऑफन इन्वॉल्व्स यूजिंग ओपीसी आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है, ओपीसी आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। जे नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इंडस्ट्रियल रोबोट आर नॉट सुटेबल फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, किया ही जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन में, तो ये फॉल्स हो जाएगा, करा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है, ऑटोमेटेड ड्रिलिंग सिस्टम आर कॉमनली यूज इन माइनिंग फॉर सॉइल टेस्टिंग, तो ये ट्रू है, पहला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा जे का। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है, जो कि चार नंबर में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन RS-232, RS-422 एंड RS-485 स्टैंडर्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। इसी के और में पूछा है, डिस्कस द मोडबस प्रोटोकॉल एंड इट्स टिपिकल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग इन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। और में पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग अरिथमेटिक फंक्शन इन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग फॉर पीएलसी। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉपर ग्राउंडिंग इन रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल नॉइज इन पीएलसी सिस्टम। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस प्लान टू कंट्रीब्यूट द रिलायबिलिटी ऑफ ए पीएलसी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फाइव है, स्टेट द नीड फॉर स्काडा सिस्टम सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन का जो है नीड बताना है सिस्टम इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में स्काडा का क्या नीड है। इसी के और में पूछा है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा सिस्टम इंक्लूडिंग द रोल ऑफ RTU एंड MTU। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पिक एंड प्लेस रोबोट इन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। मैन्युफैक्चरिंग में पिक एंड प्लेस रोबोट का क्या फंक्शन है। इसी के और में पूछा है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइन प्लानिंग सिस्टम टू इफिशियंट माइनिंग ऑपरेशन। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है, कंपेयर द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ इंडस्ट्रियल इथरनेट एंड ट्रेडिशनल इथरनेट इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसी का और है, डिस्कस द चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद इंटीग्रेटिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑन द प्लांट फ्लोर। क्वेश्चन नंबर एट है, डिस्कस द रोल ऑफ अरिथमेटिक फंक्शन इन पीएलसी प्रोग्रामिंग एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स डेमोंस्ट्रेटिंग देयर यूजेज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसी का और है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग लैडर लॉजिक फॉर सिंपल एप्लीकेशन इन पीएलसी प्रोग्रामिंग प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर नाइन है, एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पीएलसी सिस्टम एंड प्रोपोज सॉल्यूशन फॉर ईच प्रॉब्लम कैटेगोरी। और में पूछा है, एक्सप्लेन द ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ ए पीएलसी सिस्टम इंक्लूडिंग पावर सप्लाई इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स एंड पीएलसी प्रोग्राम एरर। क्वेश्चन नंबर टेन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग स्काडा सिस्टम एच एम आई फॉर सिंपल
ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेप फॉर लिंकिंग स्काडा ऑब्जेक्ट विथ पीएलसी लैडर प्रोग्राम यूजिंग ओपीसी, ओपीसी का यूज करके स्काडा और पीएलसी को लिंकिंग करना है। इसी के और में पूछा है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्काडा सिस्टम इन इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट साइटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ। 11 में पूछा है, एक्सप्लेन द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर साइटिंग एग्जाम्पल्स। इसी का और में पूछा है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट एंड द फीचर्स ऑफ एडप्टिव हेड लैम्प्स एंड एडप्टिव क्यूज कंट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स। तो ये सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का है जो एग्जाम 31 मई 2024 को कंडक्ट किया गया है, उसका ये क्वेश्चन है। डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का ये डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का क्वेश्चन पेपर को देखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।